हेलो फ्रेंड्स, आई एम जसविंदर सिंह फ्रॉम वीज़ा वर्ड इमिग्रेशन। सो उम्मीद है आप सब तंदुरुस्त होंगे, सब अच्छे होंगे। कोरोना वायरस के कारण काफ़ी बीमारी फैली हुई है। मैं सबसे उम्मीद यही करूंगा कि आप सब पर घर पर बैठे हैं, सब अच्छे हों। बात करें हम ट्रैवल इंडस्ट्री की। ट्रैवल इंडस्ट्री सारी लॉसेस में है, चाहे फ्लाइट है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, वीज़ा हो गया, कहीं पर भी ट्रैवल नहीं हो पा रहा, काफ़ी प्रॉब्लम आई हुई हैं। फ्लाइट के रिगार्डिंग इस वीडियो में हम बात करेंगे, फ़्लाइट कब से ओपन हो रही हैं। बहुत अच्छी न्यूज़ है, कल ही अनाउंसमेंट हुआ है कि आपका हरदीप सिंह पुरी जो एविएशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपना टाइप कराया हुआ है ट्रैवल बबल के साथ। ट्रैवल बबल के अकॉर्डिंग अब फ्लाइटें हमारी ओपन होंगी। किस किस कंट्री की ट्रैवल हम कर सकते हैं, कौन सी कंट्री में ओपन हुई हैं फ़्लाइटें, जो पहले स्पेशल फ़्लाइट चल रही थी पीआर केसेस में, वर्क परमिट के केसेस में, अब नॉर्मल फ़्लाइटें भी स्टार्ट हो चुकी हैं। इस वीडियो में हम पूरी फ़्लाइट की जानकारी देंगे आपको। हमारी कोशिश होती है कि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हम आपको शेयर करें, चाहे वो वीज़ा के रिगार्डिंग हो, चाहे हमारा वो ट्रैवल के हो अकॉर्डिंग हो, या फिर अपना फ़्लाइट के। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए और आप इजीली इन्फॉर्मेशन गेट कर सकें। वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। ट्रैवल बबल के अकॉर्डिंग अब हमारी फ़्लाइटें स्टार्ट होंगी, आप फ्लाइटें पे अपना ट्रैवल कर सकते हैं। बात करें शैनिगन कंट्री की, शैनिगन कंट्री में बहुत लोगों ने हमसे क्वायरी भी की हैं, मैसेजेस आते हैं, कॉल आती हैं कि शैनिगन में ट्रैवल कब कर सकते हैं, कब से फ़्लाइटें चालू होंगी। तो उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि आपकी फ़्लाइटें स्टार्ट हो चुकी हैं। 28 फ़्लाइटों के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो फ़्लाइटें दिल्ली, मुंबई एंड बेंगलुरु से स्टार्ट होंगी और पेरिस तक जाएंगी। यानी कि दिल्ली मुंबई टू पेरिस आपकी फ़्लाइटें होंगी, और जुलाई 18 यानी कि 18 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक का अभी इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, जिसमें फ्रांस एयरलाइन आपका मेन है। फ्रांस एयरलाइन आपको लेके जाएगी, आपकी 4-5 फ़्लाइटें, 2 फ़्लाइटें, 3 फ़्लाइटें दिल्ली की रूटीन में रहेंगी। 28 फ्लाइटें का आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इनके साथ, जो कि हरदीप सिंह पुरी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, एविएशन मिनिस्टर जो हैं। अगर हम बात करें फ्लाइट कब से स्टार्ट करेंगे, 18 जुलाई से आप ट्रैवल कर सकते हैं, 31 जुलाई तक इनका ट्रैवल डेट रहेगा, सॉरी 1 अगस्त तक इनका ट्रैवल डेट रहेगा आपका, 18 जुलाई से 1 अगस्त तक। किसी ने भी अगर किसी के पास वीज़ा है या कोई ट्रैवल करना चाहता है नॉर्मल फ्लाइट से, क्योंकि स्पेशल फ्लाइट के रेट थोड़े हाईएस्ट हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल फ्लाइट, नॉर्मल फ्लाइट पे आप जा सकते हैं 18 जुलाई से 1 अगस्त तक। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु तीन जगह से फ़्लाइट स्टार्ट हो रही हैं और पेरिस तक फ़्लाइट जाएंगी। आप वहाँ से डोमेस्टिक फ़्लाइट पकड़ के कहीं भी कौन सी कंट्री जा सकते हैं, लाइक क्योंकि डोमेस्टिक तो बंद नहीं है, डोमेस्टिक सारा ओपन है। अगर किसी ने पुर्तगाल या फिर अपना जर्मनी, माल्टा, इवन नीदरलैंड किसी ने ट्रैवल करना है, स्पेन ट्रैवल करना है, आप यहाँ से बेंगलुरु, मुंबई से फ़्लाइट पकड़ के पेरिस, पेरिस से आप डोमेस्टिक फ़्लाइट पकड़ के आप कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं। शैनिगन का कंप्लीट हुआ, 28 फ़्लाइटों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, 18 जुलाई से स्टार्ट होंगे और 1 जुलाई तक इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। बात करें सेकेंड, यूनाइटेड अरब अमीरात, एमिरेट फ्लाइट के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अगर किसी ने दुबई, सऊदी यानी कि एमिरेट, यूएई में अगर जाना है तो वो भी ट्रैवल नॉर्मल फ्लाइट के थ्रू कर सकता है। पहले स्पेशल फ्लाइट के थ्रू होता था, एयर इंडिया डिफरेंट है, एमिरेट के साथ इनका टाइप हुआ है, एमिरेट की फ़्लाइटें जाएंगी, नॉर्मल फेयर होगा आपका, कोई ज़्यादा फेयर नहीं होगा, और आपका जो एयर इंडिया है वो स्पेशल फ्लाइट वो डिफरेंट है, वो चलती रहेंगी, लेकिन नॉर्मल फ्लाइट में आपका एमिरेट में आप ट्रैवल कर सकते हैं यूएई में। सेकेंडली अगर बात करें जर्मनी, जर्मनी भी इनका ओपन हो गया है, और जर्मनी कल से परसों से मे बी वो भी इन्हें अनाउंसमेंट कर देंगे कि जर्मनी की फ़्लाइटें हम कौन कौन सी चालू करेंगे। बात करें यूएसए, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, यूएसए भी इन्होंने फ़्लाइट चालू कर दिया। यूएसए की जो फ़्लाइट है इन्होंने डेल्टा एयरलाइन के साथ टाइप किया है, डेल्टा एयरलाइन की 18 जुलाई से आपकी फ़्लाइटें स्टार्ट होंगी और ये 31 जुलाई तक आपकी फ़्लाइट लेंगी। सिमिलर ही है जैसे कि आपका शैनिगन में, वैसे सिमिलर आपका यूएसए के लिए है, पर इसमें 18 फ़्लाइटों के साथ इनका टाइप हुआ है, शैनिगन में 28 और यूएसए में 18 फ़्लाइटों के साथ है। बस थोड़ी सी कंडीशन, एयर कनाडा के साथ भी अभी चल रहा है टाइप इनका 4-5 दिनों में, वो भी मोस्ट प्रोबेबली अच्छी अनाउंसमेंट ये करेंगे कनाडा के लिए भी, ऑस्ट्रेलिया के भी मे बी हो सकती है, एंड और अनदर कंट्री के लिए। किसने शैनिगन ट्रैवल करना है, यूएई करना है या फिर अमेरिका ट्रैवल करना है, आप नॉर्मल फेयर पे, नॉर्मल फ्लाइटें, रेगुलर जो फ़्लाइटें चलती हैं उनसे आप ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन हैं, आपको 4 सर्टिफिकेट मैंडेटरी रहेंगे, 4 फैक्ट कोविड-19 के नेगेटिव सर्टिफिकेट होने चाहिए, यानी कि ट्रैवल से आपका 48 घंटे पहले नेगेटिव सर्टिफिकेट कोविड-19 का बनना है, एक सर्टिफिकेट वो। सेकंड सर्टिफिकेट आपका रहेगा जब एयरपोर्ट पे आप जाएंगे, आपकी वहाँ टेस्टिंग होगी, वो भी नेगेटिव का होना चाहिए। आपको पूरी किट देंगी, पूरे प्रिकॉशन के साथ आपको फ़्लाइट के अंदर एंटर किया जाएगा, वो किट आपने बिल्कुल पहन के रखना है एयरपोर्ट के अंदर भी, फ़्लाइट के अंदर भी।
सेकेंडली, अगर कोई फ्लाइट बाया जा रही है, सपोज़ जैसे किसी ने पेरिस जाना है और वो बाया तुर्की होके जा रही है, सो तुर्की में भी आपका COVID-19 का टेस्ट होगा, वो भी नेगेटिव का ही होना चाहिए कोई बाया जा रही है तो। सेकेंडली, जो सी कंट्री में आपने ट्रैवल किया है, उस कंट्री में जैसे ही आप लैंड करेंगे तब भी आपका नेगेटिव का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि 4 सर्टिफिकेट आपके नेगेटिव रहेंगे। इसमें से अगर आपका एक सर्टिफिकेट भी नेगेटिव हुआ तो वहीं से आपको वो रिटर्न कर देंगे, आपको वहाँ पर एंट्री नहीं देंगे। ये है आपकी इन्फॉर्मेशन, प्लस वेब चेकिंग भी आपकी होगी पूरी। आपकी वेब चेकिंग आप दिल्ली एयरपोर्ट या बेंगलुरु में करेंगे तो वेब चेकिंग करवा लीजिएगा। क्या है वेब चेकिंग, कैसे करवानी है, वो आप मुझे अलग डिफरेंट कॉल करके पूछ लीजिएगा। वेब चेकिंग के थ्रू जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो, फ्लाइट की बात करें, 28 फ्लाइटें आपकी शनिगन के लिए हैं जो दिल्ली मुंबई बेंगलुरु से पेरिस जाएंगी। 18 फ्लाइटें आपकी USA के लिए है। 18 फ्लाइटें ही आपकी UAE के लिए है, UAE में एमिरेट के साथ और अमेरिका में डेल्टा एयरलाइन के साथ और शैनिगन में फ्रांस एयरलाइन के साथ इन्होंने ट्रैवल बबल के थ्रू टाइप किया है। अच्छी न्यूज़ है, जो कि ट्रैवल करना चाहते हैं, आपका चाहे टूरिस्ट वीज़ा हो, चाहे आपका वर्क परमिट हो, PR हो, आप नॉर्मल फेयर पे आप ट्रैवल कर सकते हैं। बस थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपके सर्टिफिकेट नेगेटिव के होने चाहिए। बाकी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं 9690034937 पर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीज़ा वर्ल्ड इमिग्रेशन पे, ताकि सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिले। आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमें सीधा DM कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। @VisaWorldImmigration इंस्टाग्राम की ID है। यूट्यूब वीज़ा वर्ल्ड इमिग्रेशन पे आप कर सकते हैं, डायरेक्ट मुझे कॉन्टैक्ट कर लिए, विजिट कर लीजिए। और क्या इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं डेली अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू सो मच, उम्मीद है आप सब स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ हों। कृपया दूरी बना के रखिए, डिस्टेंस बना के रखिए, आप मास्क का प्रयोग करें और ज़्यादातर घर पर बैठे, हम भी घर से ही वर्क कर रहे हैं, सो घर पर ही रहें, होम स्टे आप ज्यादा करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। थैंक यू सो मच, बाकी और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।